डॉग के ऊपर जंगली सुअर ने हमला किया था। कुछ चीज की स्मेल लग रही है इसे। जोगी जोगी जोगी। अबे यार जोगी यार इसके अंदर गिर गया। कैसे निकाला जाएगा इसे देखता हूँ। तो एक बार रस्सी डाल के देखते हैं। ऐसी पूरा भाई आधा घंटा हो गया इसके रस्सी फंसाते फंसाते। ये वाली मेडिसिन मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ। दूसरी वाली मुर्गी भी कड़क हो गई। आज भाई रोज के मुकाबले काफी ज्यादा सर्दी है। पूरी रात बारिश हुई है रिमझिम रिमझिम। अभी जैसी मौसम खुला मॉर्निंग में मैं भाई सीधा जोगी को लेके आ गया घुमाने के लिए। और भाई जैसी मैं यहाँ पे पहुंचा फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। भाई मैं सोच तो ये रहा था कि साथ में अपने कली को भी लेके आऊं। मुझे दोनों को यहाँ लाके खोलना था। और कली को मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि भाई कली को भी मैं यहाँ पे खोलता मेरे घर के पास ही एक स्ट्रीट फीमेल है जो बच्चा देने वाली है भाई। तो कहीं वो यहाँ पर मिल जाती अगर कली सीधा उस पे अटैक कर देती। इसलिए मैं केवल जोगी को ही लेके आया। जोगी का मैं देख चुका हूँ से 3 बार प्रेशर बन चुका है। भाई ये इतना ज्यादा भागता है आउट में आके कि भाई इसका बिना वजह प्रेशर बनता है। और भाई अभी भी भागता हुआ गया है उस साइड। तो नीचे कितनी बड़ी बड़ी घास है चारों तरफ कटरी सी है भाई। के अंदर कोई भी जानवर हो सकता है खासकर जंगली सुअर। भाई ऐसी झाड़ियों के अंदर रहते हैं। एक बार मैंने देखा था एक डॉग के ऊपर जंगली सुअर ने हमला किया था। उसकी पूरी आंतें निकल के बाहर आ गई थी। आंतें उसकी एक साइड पड़ी थी वो एक साइड पड़ा था। और भाई वो पालतू डॉग था। सुअर ने उस पे हमला किया। रात के 12 बजे की बात होगी भाई उसकी आंतें निकल के बाहर। भाई वो ज्यादातर ऐसी झाड़ियों में रहते हैं। पता नहीं किस चीज की इसे स्मेल लग रही है। मुझसे 2-3 किलोमीटर दूर निकल जाता है। अभी मुझे दिख रहा था बहुत दूर। मैंने आवाज मारी भाई फिर से वापस लौट के आया। भाई मैं वापस लौट रहा था फिर मेरे माइंड के अंदर आया अपना खेत है पास में एक बार गेहूं भी देख लेते हैं कितने कितने बड़े हो गए हैं फिर चलते हैं उसके बाद घर। फाइनली भाई गेहूं तो अपने इतने बड़े हो गए हैं थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं। सोचा एक बार देख लेता हूं जब आया ही हूं इससे भी थोड़ा सा घुमा दूंगा। भाई मेरी भी अच्छी खासी वॉक हो जाएगी। सरसों में घुसता है और रात भर थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई ना और वैसे भी ओस गिरती है। ये पूरा गीला हो गया नहा लिया ये भाई बिना नहलाए। सामने से वो डॉग आ रहे हैं। जोगी ने भी नहीं देख पाया जोगी का माइंड यहाँ पर कहीं पे है। मैं निकलता हूँ धीरे से साइड से यहाँ रहा है पीछे भागता हूँ और कुछ बोलेगा नहीं देखना आप किसी भी डॉग से कुछ नहीं बोलेगा है देखो है। बस बस भाई बस बस इसका भाई इतना ही रोल रहता है ये किसी भी डॉग से कुछ नहीं बोलता है। A few moments later. जोगी जोगी आ अभी जोगी भाई इसके अंदर गया था और बड़ा तेज साउंड आया। इसके अंदर कोई कुआं वगैरह है क्या है। जोगी आ जोगी जोगी ओ तेरी भाई जोगी। अबे यार जोगी यार इसके अंदर गिर गया। जोगी अब लो भाई एक नई मुसीबत लग गई भाई। मैं आगे निकल गया था पीछे से साउंड आया बहुत तेज किसी चीज की गिरने का। और देखो जोगी भाई इसके अंदर है और वो तो ठीक है भाई इसके अंदर पानी नहीं है। मैं किसी को एक बार बुलाता हूँ भाई ऐसे निकाला जाएगा इसे देखता हूँ। मुश्किल काम कर दिया इसने। अच्छा खासा भाई लेके आया था घुमाने के लिए। भागता भी बहुत है भाई इधर उधर ये। एक बार मैं किसी को कॉल करता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। अभी मैंने भाई अन्नू किशन और मोहित को बुलाया है रस्सी लेके और टॉर्च लेके। एक बार इसके अंदर देखते हैं कितना गहरा है क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और भाई फिर देखते हैं कैसे निकाला जाएगा भाई। किसी को अंदर जाना पड़ेगा मेरे अलावा कोई इसे पकड़ भी नहीं सकता है। अंदर जा भी नहीं पाऊंगा। यहाँ पे दवाई आगे था शायद। इतनी ज्यादा झाड़ियां हैं मैं इससे इतनी देर से चिल्ला रहा था मना कर रहा था बुला रहा था अच्छा खासा घर जा रहा था बट ये यहाँ पे कूदा और कूदते कूदते ये यहीं गिर गया। और भाई ये मेरे ख्याल से तो बहुत गहरा कुआ होगा। हो रहा भाई सामने ही बैठा है। इसके अंदर कोई सांप वगैरह ना हो जिसके ऊपर ये गिरा हो सारा कुछ सही हो। थोड़ी देर इंतजार करते हैं उनके आने का। ये नहीं पता था कि कुआ इधर है। कुआ भाई उधर है उन पेड़ों से ये तो मुझे पता था। अच्छा खासा जा रहा था भाई अच्छी खासी मुसीबत लग गई भाई। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। एक बार मैं देखो देखता हूँ इसके अंदर लाइट से थोड़ा सा अंदाजा लेता हूँ। ये देखो भाई ये देखो अब सही है आराम से खड़े रहो ठीक है ना। और पता नहीं भाई क्या जल्दी रहती है इसे इधर उधर भागने की। वो तो साउंड आया तो मुझे पता भी चल गया वरना भाई यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा है कि कोई कुआ है। टॉर्च है रोशनी जा मैं जा कुआ के अंदर है देखो हटाई हो जाएगी हटाओ झाड़ी अन्नू ने ये बैठे सामने जो गई आराम से बैठो अब जाइए कल तो मैं लगे हैं ठीक है। अब भाई ये झाड़ी वाड़ी हटाइए। अब भाई दिक्कत ये आ रही कि इसे भाई निकाला कैसे जाए बिना अंदर जाए भाई काम नहीं चलेगा। भाई इससे निकालने का सोचते हैं कुछ कैसे निकालते हैं एक बार रस्सी डाल के देखते हैं। ऐसी पूरा भाई आधा घंटा हो गया इसके रस्सी फंसाते फंसाते रस्सी भाई नहीं फंस पा रही है। अब भाई फंसी है तो इसके पीछे की साइड फंसी है। एक बार भाई थोड़ा सा बीच में फंस जाए फिर भाई इसे खींच लेते हैं ऊपर। और भाई इसका अपना भी बिल्कुल माइंड नहीं चल रहा है कि थोड़ा आगे पीछे वहीं पे खड़ा है जैसा गिरा था। अब एक बार इसे फंसाते हैं भाई कोशिश करते हैं निकालने की पहले ऐसी। और फाइनली इतनी देर मशक्कत करने के और एक रस्सी जैसे तैसे करके भाई इसकी गर्दन में फंसी और एक पेट में फंसी थी। इतनी सेकंडों में निकाला है ना भाई इतनी तेज मैं ही जानता हूँ। अब ये देखो भाई ये देखो ये देख लो जा अंदर घसी आ जा 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 अंदर जाओ जा जा घसी आ जा
भाई इसने अभी टॉयलेट की है यहाँ पर, थोड़ी सी रेड रेड सी की है। एक दो बार और करेगा फिर देखते हैं। एक तो ये उसके अंदर गिरा होगा तब इसे धमक लगी होगी, दूसरी भाई एक रस्सी इसके यहाँ पे फंसाई थी, दूसरी रस्सी यहाँ पे फंसाई थी। भाई फाइनली निकल आया, इसकी गर्दन में ये लोग मना कर रहे थे, मैंने कहा भाई ऐसे बहुत टाइम लगेगा, एकदम खींच लेते हैं सेकंडों में। थोड़ा सा टाइम लगा, एकदम खींचा सीधा इधर। चलो भाई अब चलते हैं, और इन लोगों को भाई डर लग रहा है कहीं ये अब इन पे अटैक ना करे, मिलते हैं आपसे घर पे चल के। और भाई इसके काम चेक करें, मौका लगते ही भाई इसने दूध पीना स्टार्ट कर दिया इसका। अभी ये भाई यहाँ पर बंधी हुई थी, जस्ट मैंने अभी बाहर बांधा इसे तो मैं टाइम पे आ गया, वरना भाई शाम को दूध बूध कुछ नहीं मिलता, सारा दूध पी लेती। भाई ये वाली मेडिसिन मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ, और इसके अंदर प्रॉपर आप देख ही रहे हैं विटामिन्स मिनरल्स नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, जो जो चीजें इसे चाहिए वो सारी चीजें इस वाली मेडिसिन से मिल जाती हैं। और आज की मेडिसिन भी मैंने इसे खिला दिया आटे की लोई में, अब इसके अंदर दो बची हैं तो दो दिन में वो भी खत्म हो जाएंगी, ये फिर से हीट पे आएगी। और भाई कराते हैं इस बार, देखते हैं, और पहले तो इसे बाहर निकाल। चलो अगे बाहर जाओ 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 जाओ। और भाई मैं दिन में दो तीन बार कम से बाहर निकाल के जाता हूँ, जैसे ही इसका मौका लगता है ये फिर से अंदर आ जाती है। भाई देखो इस वाली मेडिसिन पे लिखा है नॉट फॉर सेल, और ये वाली मेडिसिन मैं खरीद के लाया हूँ, हो सकता है या तो ये सैंपल हो या फिर ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जानवरों के उनमें आती हो भाई, ब्लैक में बेचती हो। ये दो दिन का कलेक्शन है अंडो का, और उस दिन मैं बोल रहा था ये चीज की पता नहीं भाई मेरी मुर्गियों को क्या हो गया, ये अंडा ही नहीं दे रही है। फिर मैंने दो दिन तक चेक नहीं किया, उसके बाद मैंने देखा तो भाई इतने सारे अंडे मिले, और ये सारे अभी मैंने यहीं पे रख दिए हैं भाई। बाद में देखेंगे भाई इनका क्या करना है, मुर्गियों के नीचे रखना है या फिर भाई यूज में लेना है। भाई लो ये दूसरी वाली मुर्गी भी कुड़क हो गई, भाई पता नहीं इसने अंडे अपने कहां पे दिए, और भाई कुड़क होके बैठने यहां पे आ गई। जो इसके नीचे चार अंडे रखे हैं उनकी मैंने कैंडलिंग की थी, उसके अंदर मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं, बट मैंने फिर भी रखे रहने दिए हैं, तो भाई इसे बैठे ही रहने देते हैं। देख लेते हैं 5-7 दिन अगर होंगे बच्चे तो निकल आएंगे, वरना मुझे तो लग रहा है कि ये अंडे खराब हो गए हैं। सुल्तान आ जा बैठो, बढ़िया बढ़िया बैठो। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है, बारिश हुई थी तो इस वजह से बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना सुल्तान के लिए मैं हीटर लगा देता हूँ, और हीटर के लिए तार मुझे भाई उस साइड ले जाना पड़ेगा, और भाई इसके अंदर भरकाट रहेगी कमरे के अंदर। वैसे भी ये कमरा बंद है तो भरकाट तो रहती है, बट जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तब हीटर इसमें बढ़िया काम करता है। अब बिस्तर मैंने लगाया था और इसने देखो कैसा कर दिया, मैंने नीचे प्याल डाला था, ऊपर कंबल, फिर ऊपर उसके ऊपर कंबल, और कंबल देखो इसने कैसे फाड़ दिए हैं रात में। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरी काम है भाई इनके राइस लेके आने हैं मुझे, अभी चलते हैं बस थोड़ी देर में और इन लोगों के राइस लेके आते हैं। तो अभी चलते हैं दोस्तों, जल्दी से चावल लेके आते हैं, वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। अब चलते हैं दोस्तों फाइनली घर, बहुत ज्यादा टाइम लग गया वहां पर मार्केट के अंदर, और भाई चावल बहुत ज्यादा जरूरी थे अपने डॉग्स के लिए भाई, इन्हीं में एग मीट सारा कुछ इन्हीं में मिला के मैं डालता हूँ, और बाकी अब चलते हैं भाई सीधा घर और देखते हैं कि क्या करना है आज। और गया मैं भाई दूसरे रास्ते से था, आया मैं दूसरे रास्ते से हूँ। भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं, मैं यहाँ पे आया था गन्ना खाने की जुगाड़ में, और किशन अपने आलू रखा रहा है, मैं भी भाई यहीं पे निकल के आ गया था, और भाई उस दिन तो अंकित था यहाँ पर वो गन्ने ले आया था, आज वो नहीं है भाई, प्लान कैंसिल कर दिया। आज सर्दी बहुत ज्यादा है तो थोड़ी देर ऐसी ताप लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं घर। भाई आज की ये वीडियो भी इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।